जय हिंद दोस्तों, नॉलेज एटम में आपका स्वागत है। तो आज हम राम सिंह यादव बुक का मैथमेटिक्स का सेट 40 करने जा रहे हैं, और इससे पहले मैंने 39 सेट और कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। सेट नंबर 40, फर्स्ट क्वेश्चन। हमको ए दे रखा है ये और बी ए दे रखी है, तो हमको निकालना है ए इंटरसेप्ट बी का, हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेप्ट बी का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारा कॉमन होता है वही हमारा आंसर आता है। ठीक है, बट इसमें कोई सा भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, फाइव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सही है? ठीक है, तो इसका ए हमारा राइट आंसर होगा। ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब बराबर में होता है हमारा ए प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक से लेकर हमको 100 तक नेचुरल नंबर का हमको माध्य ज्ञात करना। नेचुरल नंबर होता है क्या, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 100 तक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है एन प्लस में एन प्लस 1/2। ठीक है, तो एन हमारा क्या होता है, ये 100/2, तो हमारा एन क्या हो जाएगा, 50। इसका एन आ जाएगा हमारा, तो वैल्यू पुट कर दो, एन प्लस में ये हो जाएगा 50 और प्लस से 51 हो जाएगा। ठीक है, 51/2 फिर 101/2, इसको काटेंगे तो हमारा आता है इसका 50.5। ठीक है, हमारा ये आता है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, योग कितना होता है? ठीक है, ये हमारा वाला चतुर्भुज है एक, और इसके प्रत्येक कोण पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये सब भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हमारा इनका योग करने पर कितना आता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वैल्यू को हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जा रहा है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला हो जा रहा है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है, तो इस वैल्यू को, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को पुट करता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस ये हमारा बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2y³, और ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो एक्स माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स प्लस में 2y। ठीक है, अब क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा इसको, तो एक्स माइनस 2y, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2y² है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स प्लस में 2y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वैल्यू का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ मैं एलसीएम के मेथड से करूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, देखो आप ध्यान से। हमको ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मतलब कि भाग करना पड़ेगा, कि ये तीनों वैल्यू कट जाए। मैं 2 से कट, तो तीनों वैल्यू कट रही है। ठीक है, तो 2 से काटता हूँ इसको, 72, 90 और 96। ठीक है, फिर से मैं 2 से कट रहा हूँ क्योंकि तीनों वैल्यू कट रही है, 36, 45 और 48। ठीक है, अब ये 200 तो कट नहीं रहा, 45 2 से कटता नहीं, तो मैं क्या लूँ यहाँ पर, 3 ले लेता हूँ 3 से, क्योंकि सारी वैल्यू कट रही है, तो 12 15 बार में कट गया, और ये 16 बार में। अब ना ये 2 से कट रहा, ना ये 3 से कट रहा, ना ये 4 से कट रहा, सारी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो कि हमारा 12 आता है, 2 × 3 4, 4 × 3 12। ठीक है, 12 हमारा क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री कोण रेडियन में कितना होता है, पाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी के हमको चाल फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको इसमें दूरी दे रखी है 140 मीटर में दे रखी है, समय दे रखा है ये भी सेकंड में दे रखा है 12 सेकंड। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है चाल, चाल बराबर में होता है दूरी बटा में इसमें, तो दूरी हमारी 140 है और समय दे रखा है 12। ठीक है, अगर हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर में दे रखा है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, और उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहीं से कर देते हैं, 18/5 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, 6 से ये 70, और ये 5 से जो काटता हूँ 14। ठीक है, तो 14 थी होता है क्या, 14 थी 42, तो 42 किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या आर है, उसके गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। गोलीय उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2π r². नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं मिलती है क्या कहलाता है, वो कहलाता है केंद्रक। ठीक है, ये त्रिभुज है मान लो, और यहां पर कोई मिल रही है यहाँ। ठीक है, तो इस बिंदु कहेंगे केंद्रक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज को हमको पूरा करना है, तो हम इसमें डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस 5 हो रहा है, इसका डिफरेंस भी 5 है, इसका अंतर भी 5 है, इसका अंतर भी 5 है, तो हमारा इसका अंतर भी 5 ही होगा, ठीक है। 8 और 5 13, माइनस का 13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बहुपद को हमको सोल्व करना है, ठीक है, जिसमें हमको शून्यों का गुणनफल 4 हो, तो एक काम को मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो करेंगे, अगर हमको शून्य गुणनफल निकालना हो, शून्य गुणनफल निकालना हो, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है ए बी बराबर में बटे में ए, ठीक है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और डी, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, ये फॉर्मूला लगता है इस मेथड में, ठीक है। तो लगाता हूँ इसको मैं, हमारा डी क्या हो जाएगा, डी 6 हो जाएगा, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो डी हमारा 6 हो जाएगा, बराबर कितने दे रखा है, 4, 4 दे रखा है हमारा गुणनफल, ठीक है। तो करते हैं इसको माइनस का, सॉरी ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ए हमारा आ गया -3/2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10:45 का मान क्या होता है, 10:45 का मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको करना है, इसमें हमको एक्स का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 7x+3 और ये इसे मल्टीप्लाई करते, तो 4x+4 2 8, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 4x है और ये है, इसी इस तरफ चल जाएगा 4x, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, तो 7x-4x+3 = 8 बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा 3x+3 = 8, ठीक है। अभी क्या आ गया, ये 3 है जो इस तरफ चल जाएगा, ये तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का क्योंकि है, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पर, 3x = 8 - 3 हो जाएगा, तो 5 बचेगा इधर और यहाँ पर 3x, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।